डॉक्टर दोषी, आप स्पष्ट बताएंगे आप कहना क्या चाह रही है? मिस्टर जिगर मोदी, आपकी वाइफ के पेट में कोई सिस्ट नहीं है। ये देखिए, इनके पेट में कलाई वाली घड़ी। क्या कह रही है डॉक्टर दोषी? राशि के पेट में घड़ी, ये कैसे मुमकिन है? ये वॉच मेरे ख्याल से डॉक्टर की है, जो कि ऑपरेशन करते वक्त इनके पेट में गिर गई। और वो अपने आप को बचाने के लिए कह दिया कि सीस्ट है। तभी राशि बहन बार बार कह रही थी कि उनके पेट से टिक टिक की आवाज आ रही है। मम्मी, बिल्कुल यही बात है। वो ऑपरेशन करके चुपचाप से घड़ी निकाल लेना चाहते थे, क्योंकि इस तरह की लापरवाही से पेशेंट की मौत भी हो सकती है। मम्मी, और ये कानूनन जुर्म भी है, और इससे जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। डॉक्टर दोषी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर को हम जिम्मेदार इंसान मानते हैं, डॉक्टर होकर वो एक गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकते हैं? इतनी बड़ी लापरवाही डॉक्टर। देखिए, ये सब बाद में। आपकी वाइफ के पेट में तकलीफ है, अभी हमें ऑपरेशन करना होगा। बॉडी के अंदर किसी बाहरी चीज का होना। घड़ियाल? मेरी बच्ची के पेट में घड़ियाल? मैं तो उन दोनों डॉक्टर को छोड़ूंगी नहीं। वो पुलिस बोला विश, उनकी हिम्मत कैसे हुई बेचारी मेरे पत्नी पर। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उन लोगों को जलाखों के पीछे लेकर जाऊंगा। इन्हें तो जेल पहुंचा कर ही रहेंगे। डॉक्टर, मेरी राशि बहन ठीक हो जाएंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पर हमें अभी इसी वक्त इनका ऑपरेशन करना होगा। जिगर जी, उर्मिला बहन, जिगर अहम, देखो शांत हो जाओ। हम उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे अहम बात है कि वो घड़ी का राशि के शरीर से बाहर निकलना। एक बार वो घड़ी निकल जाए, राशि स्वस्थ हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, उसके बाद नहीं छोड़ेंगे। उन डॉक्टर्स को अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। डॉक्टर दोषी, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके। कान्हा जी, मेरी राशि बहन की रक्षा करना, उनका दुख कष्ट सब दूर करना। कान्हा जी, गोपी बहू, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। खबर नहीं मारी दिकरी ने कौनी नजर लगी गई थी। एक दिन में दो दो ऑपरेशन, इससे तो यही अच्छा होता कि उस बियर से पथरी निकाल देते। उर्मिला बहन, आप माँ हैं और मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पर क्या गुजर रही है, पर राशि का ऑपरेशन चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी ही राशि कष्ट मुक्त हो जाएगी। आप बस हिम्मत रखिए। डॉक्टर, डॉक्टर राशि कैसी है? आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने घड़ी निकाल दी है। कृष्ण भगवान का लाख लाख धन्यवाद, उन्होंने हमें सद्बुद्धि दी और हम आपके पास आए, आपकी सलाह मानी, वरना उन लालची डॉक्टर्स का हम शिकार बन जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। बस मैं अब यही प्रार्थना करता हूँ कि
कि लोग लालच में आकर ऐसे अपराध ना करें, खासकर डॉक्टर्स जिन्हें मरीज अपना भगवान मानते हैं। क्या आप राशि को देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट करने के बाद आप मिल लीजिएगा। जी शुक्रिया। राशि, तुम बिल्कुल ठीक हो। प्लीज बाहर जाइए, इनको आराम करने दीजिए। ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया, अब बस उन धोखेबाज डॉक्टर्स को जेल पहुंचाना है। जिगर, तूने बिल्कुल ठीक कहा। एक तक झूठ बोलकर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दे, बस उनकी लापरवाही की हद तो देखो। ऑपरेशन करते हुए पेट में खड़ी छोड़ दी। इतना ही नहीं, ये सब कुछ होने के बाद भी ना तो उन्हें कोई शर्म है और ना ही कोई डर। रूप से एक और झूठ कि राशि के पेट में सिस्ट है। ए भरा ठाकुर जी, एक साथ अटला बता झूठ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इस दुनिया में इतने सारे झूठे लोग भी होते हैं। मतलब विवान जी, मुझे तो लगता है कि राशि के पेट में पथरी भी नहीं थी। उर्मिला बहन, मुझे लगता है कि अभी कभी हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, और हाँ, पुलिस को भी फोन करते हैं। मोटा भाई, हम पुलिस के पास जरूर जाएंगे, पर बस एक ही मुश्किल है, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हम पुलिस को बताएं कि उन डॉक्टर्स ने हमारे साथ क्या गलत किया है। वो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट तो हमने डॉक्टर्स को। हाँ देवर जी, और इसीलिए उन्होंने हमसे वो रिपोर्ट्स मांग लिए। इसका मतलब हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उन्हें उन्हें सजा नहीं मिल पाएगी। नहीं मोटा भाई, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अपराध करे और सजा ना मिले, ऐसे लोभी और लालची डॉक्टर्स की वजह से राशि को इतना कष्ट भुगतना पड़ा, उसकी जान जोखिम में आ गई। उन्हें सबक जरूर सिखाना होगा, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। पर मॉम, हम कर क्या सकते हैं? अहम, पर हाथ पर हाथ धरे यू बैठेंगे भी नहीं, कोई ना कोई उपाय सोचेंगे, रास्ता जरूर नजर आएगा।